गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माई नेम इज शिवम पांडे एंड माई सेल्फ पांडे जानते होंगे आप लोग चलिए हम लोग बहुत दिनों बाद वापस कर रहे हैं ड्यू टू सम हेल्थ इशू हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे अब हम वापस आ रहे हैं और आते ही हमें सबसे बड़ा ब्रेकिंग न्यूज मिलता है कि विराट कोहली हैज़ बिन स्टेप डाउन फ्रॉम टी ट्वेंटी कैप्टनसी टी ट्वेंटी कैप्टनसी वो छोड़ने वाले हैं ये टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप उनका एज अ कैप्टन आखिरी होगा तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं जरा जानेंगे क्षितिज पांडने से मैं विराट का बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ और मैं क्या पूरी कंट्री में विराट के बहुत बड़े फ़ैन रहे हैं लोग मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ कि ये सुन के और बहुत शॉकिंग भी है मेरे लिए ये अगर वो टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप के बाद करते तो जैसे दो हज़ार बीस इक्कीस का जो होने वाला है इसके बाद अगर अनाउंसमेंट करते तो ये डिसअपॉइंट नहीं था हमको लगता ही था कि अगर फैसला फेवर में नहीं आएगा तो ऐसा ही कुछ होने वाला है पर ये इतना अचानक से विराट ने अपने आप को सेव कर लिया कि वो वर्ल्ड कप जाने से पहले चाहे जीते चाहे हारे उन्होंने पहले ही बता दिया कि ये मेरा आखिरी है और इस वर्ल्ड कप के बाद मैं अक्टूबर में रिटायरमेंट ले लूँगा मतलब एज कैप्टेंसी मैं छोड़ रहा हूँ प्लेयर एज अ प्लेयर वो खेलते रहेंगे और डी में भी वो कैप्टन रहेंगे और टेस्ट में तो कैप्टन ही है टी टीम बहुत बुलंदियों पर जा रही है और बहुत ही अच्छे कप्तान थे विराट पैंतालीस मैच में उन्होंने कप्तानी करी है ट्वेंटी मैच वो जीते हैं और चौदह मैच हारे हैं और पाँच या छः ड्रॉ हुए हैं वो पहले कप्तान हैं पूरी पूरे दुनिया में जो सेना कंट्री में टी ट्वेंटी सीरीज़ जीतने वाले कप्तान है उन्होंने साउथ अफ्रीका इंग्लैंड न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया जैसी धरती पे टी ट्वेंटी सीरीज जिताई हुई है इंडिया को वो वर्ल्ड के पहले कप्तान है तो ये सब रिकॉर्ड उनके अच्छे थे हालांकि फॉर्म उनका टी ट्वेंटी में कोई इतना बेकार नहीं गया था कि उनको फॉर्म के चक्कर में उन्होंने छोड़ा जैसे लोग बोल रहे हैं कि फॉर्म नहीं थी उनकी दो साल सेंचुरी नहीं आ रही तो सेंचुरी तो वैसी भी उनकी टी ट्वेंटी में नहीं है कोई पर फॉर्म कोई ऐसा इशू नहीं था उन्होंने अभी इंग्लैंड में जो होम सीरीज हुई है वो मैन ऑफ द सीरीज थे उसमें भी और लास्ट उनकी इनिंग बहुत अच्छी पाँच छः इनिंग के देख लो इंग्लैंड सीरीज जो हुई थी अभी घर पर बहुत ही अच्छा खेले हैं तो फॉर्म कोई इशू नहीं है पर उन्होंने जैसा कि लिखा है अपने ट्वीट में कि वो बर्डन जो उनके ऊपर आ गया तीनों फॉर्मेट की कप्तानी का पाँच छः साल से जैसा कि उन्होंने बोला कि मैं पाँच छः साल से कप्तानी कर रहा हूँ रेगुलर कप्तानी कर रहा हूँ ये मेरे लिए बर्डन है मैं बैटिंग पे अपने फोकस नहीं कर पा रहा ये सब बातें उन्होंने अपने ट्वीट पर लिखी है जैसा कि उन्होंने बताया मैंने रवि भाई और रोहित शर्मा इन सब से इस कप्तानी के बारे में बताया है बता बात हुई है मेरी और ये सब फैसला मैंने टीम अपने दोस्तों यार से और जैसा कि कोच हैं रवि शास्त्री और वाइस कैप्टन हमारे रोहित शर्मा हैं उनसे ये सब बातें करके और बी सी सेक्रेटरी और जय शाह को उन्होंने बता के ये फैसला लिया है तो आप क्या क्या कहना है इस पर सबसे पहले तो बड़ा ही डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ है, है क्योंकि एक महीने पहले आपका वर्ल्ड कप रह जाता है और विराट कोहली को इस तरीके से मेरा मानना है कि ये विराट कोहली का फैसला नहीं है उनसे लि, उनसे लिया गया है उनसे कप्तानी छीनी गई है एक तरीके से बीसीसीआई ने छह महीने से उनको मैनुपुलेट किया और उसका रिजल्ट यह रहा कि आज विराट कोहली स्टेप डाउन करते हैं नंबर वन अगर आपका वर्ल्ड कप एक महीने पहले रह जाता तो क्या जरूरत थी इन सब ड्रामों का तीन चार दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर लीक हो जाती है जो लो, लो, जो भी मेरे अकॉर्डिंग बीसीसीआई के बिना लीक नहीं हो सकती क्योंकि बीसीसीआई की उन्होंने लीक करवाई क्योंकि देखिए बीसीसीआई एडमिनिस्ट्रेशन में अब दो धड़े में लोग बट गए हैं एक तरफ रोग रोहित

ने बताया ऊपर से क्या आके विराट आ, कहते कि क्या, क्या विराट ने खुद बोला कि नहीं नहीं मैं मान रहा हूं कि मैं हारने के कोई कप्तान नहीं बोलता कि मैं हारने इवन कमजोर से कमजोर आप देखेंगे पहली बार वो जिम्बावे और जान मारते हैं लेकिन तरीका गलत है वर्ल्ड कप से पहले आपने टीम को बांट दिया और इसका इम्पेक्ट वर्ल्ड कप पे पड़ेगा अगर प्लेयर को पता है की मेरा एक महीने बाद मैं कप्तान नहीं रहूंगा उसका कहीं ना कहीं ये चीजें लीक हो गई है विराट पब्लिक फिगर है ये चीजें धीरे धीरे सबको पता चलेगा

विराट मेरा मानना है देखिये विराट के ऊपर प्रेशर था फिर भी विराट को ये नहीं बोलना चाहिए था एक परसेंट मेरे को विराट की भी थोड़ी कमी लगती है कि आप अनाउंस नहीं करते आपको ठीक है नो मैटर रिजल्ट जो भी होता हटा देते कोई बात नहीं देखिए उनके पास प्रेशर था या फिर आप हार जाते, जाते बीसीसीआई तो के करने से पहले ही आप खुद अनाउंस कर देते पर विराट के लिए भी ये थोड़े जैसे विराट फाइटर रहे हैं वो हारे हैं आज तक आईपीएल का ट्रॉफी नहीं जीते वो बट कोई भी उनको क्रिटिसाइज नहीं कर सकता क्योंकि वो उनके अंदर जुनून होता है वो वो ऐसे कम स्पिरिट वाले प्लेयर नहीं है कि उनको प्रेशर वेशर कुछ नहीं होता प्रेशर के लिए बने ही नहीं है जो बंदा से सेवेंटी बन बन बना बना चुका है सेवेंटी से ज्यादा सेंचुरिया जो बना चुका है उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है वो आप रन नहीं बनाएंगे ना भी फिर भी नंबर अगर वो आज भी रिटायर हो जाए तो लिविंग लीजेंड है वो हाँ आज भी उनके रन टी में सबसे ज्यादा है विराट को मतलब विराट के लिए प्रेशर जैसा शब्द नहीं बना वो इतने बड़े खिलाड़ी हैं कि प्रेशर वैसा नहीं हुआ लेकिन बीसीसीआई ने जो करा जो सबसे बड़ी बात है आपके स... बीसीसीआई के जो ट्रेजरर हैं जो सेक्रेटरी हैं कितना हाँ ये हाँ अनि ये जो है आपको अनिरुद्ध चौधरी अनिरुद्ध चौधरी या अनिरुद्ध धूमल करके वो हैं और बी के जो आपके चेयरमैन हैं आप जैसा इन दोनों ने आके किस तरीके से मतलब बातों को तोल मलोल करा दो दिन पहले आपने डिनाई विराट बोलेंगे तो बहुत ज्यादा देखिए आप कप्तानी देना था आप दीजिए रोहित शर्मा को देना था दीजिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बट प्रॉब्लम हाँ, है तरीके से प्रॉब्लम है वर्ल्ड कप से पहले ये चीज़ें देखिए कहीं ना कहीं अब मुझे लगता है कि बहुत अच्छा था कि एम एस धोनी को मेंटर की तरह जोड़ा था टीम में मुझे मैं तो बहुत खुश था कि बहुत फायदा होने वाला है इंडिया टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा करेगी क्योंकि जहां पे इंडिया अच्छा खेलती है टूट चुकी है मेरे हिसाब से अब इस तरीके से एक पॉजिटिवनेस भी हो सकती है टीम में कि हम विराट को ये वर्ल्ड कप दे के उनको हम एक विदाई की तरफ देखिए हाँ इसको मेरे हिसाब से विराट को पर्सनली भी एक चैलेंज की तरह लेना चाहिए आगा। आगा। जैसे में उन्होंने में दिया था नहीं जीते चौदह उन्होंने। उन्होंने और सोलह दोनों में लेकिन मेरा मानना है विराट को भी चैलेंज की तरह लेना चाहिए कि नहीं अब ये मेरा आखिरी है तो मैं 100 परसेंट दूंगा जैसे 2016 सोलह में उन्होंने आईपीएल में किया था और आईपीएल में नहीं हाँ नहीं जीते फिर भी

की कप्तानी करी है ना मैं रोहित शर्मा को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता पर उस टीम का कप्तान मैं किसी को बना दूँ ना वो जिता वो देगा क्योंकि उनके पास अच्छे बॉलर हैं, है, मिचल जॉनसन रहे हैं आपका ये ये आ, मलिंगा खेले हुए हैं, इतने बड़े बड़े नाम रहे मैकेलगन रहे हैं, मतलब ट्रेंड बोर्ड इतने बड़े बड़े प्लेयर खेले हैं मुंबई के लिए मुंबई की टीम हम पोलार्ड पोलार्ड आपका रोहित शर्मा खुद कुमार यादव ईशान किशन उससे पहले जयसूर्या भी खेले किसान बहुत मतलब एक फौज रही है बहुत अच्छी अच्छी मतलब मुंबई की टीम हमेशा बेस्ट रही है ऑस्ट्रेलिया इसलिए मैं मुंबई को हमेशा ऑस्ट्रेलिया ऐसा बोलता हूँ कि जैसे ऑस्ट्रेलिया की टीम एक टाइम पे थी लगातार तीन वर्ल्ड कप क्यों जीती थी क्योंकि वो टीम थी उस टीम का कैप्टन पूर्ण थे तो इसलिए नहीं जीता कोई भी होता तो इसमें थोड़ी अब जब रोहित शर्मा इंडिया की कैप्टन हमारे पास भी अच्छे प्लेयर हैं पर बेस्ट प्लेयर नहीं है मेरे अकॉर्डिंग प्रेशर मेन चीज़ है प्रेशर हैंडल करने वाले आपको बैलेंस करना उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, आ, नहीं है आ, मेरे हिसाब से पोलार्ड जैसा कोई पांच सौ वाला मैच खेला नहीं, नहीं, मलिंगा पांच सौ विकेट वाला बॉलर नहीं मिलेगा बॉलर नहीं मिलेंगे तो आपको इंडिया की कप्तानी करेंगे तब आपका कप्तानी स्किल भी टेस्ट होगा क्योंकि इन का रोहित शर्मा ने जो भी कप्तानी की पंद्रह इंडिया की बात है अब आप रेगुलर बेसिस पे करोगे जैसे आप विदेश में

आईपीएल की कप्तानी अलग हाँ। है कैप्टन रोहित शर्मा ऐसी कोई बात नहीं प्रूफ कर चुके, प्रूफ है, अच्छा कर 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 चुके हैं अच्छा भी कर सकते हैं। मैं मानता हूँ प्रूफ कर चुके हैं मैं होप करता हूँ अच्छा करें क्योंकि अच्छा वर्ल्ड अच्छा कप मुझे भी चाहिए बट मेरा एक ही मानना है कि आईपीएल और इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत फर्क होता है देखिये वही पंड्या मैं कुछ नहीं मैं बहुत बड़ा फैन हूँ हार्दिक पांड्या का वो आईपीएल में किस तरह बैटिंग करते हैं जब पंद्रह ओवर के बाद भी आते हैं अगर मुंबई एक सौ बीस तीस पे हो पांच ओवर में अगर हार्दिक पांड्या और देते हाँ उसके बाद भी वहां से मुंबई एक सौ नब्बे दो सौ पहुंच जाती है मुंबई के जीतने का यही है वही बुमराह इतना ज्यादा क्लिक करते हैं मुंबई इंडियंस में उतना अब तक नहीं किया उन्होंने इंडिया के लिए मेरे अकॉर्डिंग टी ट्वेंटी में उतना परफॉर्मेंस बुमराह ने अभी नहीं दी है अभी इस बार निकल जाए अच्छा है लेकिन तो ये बैलेंस बनाना बहुत ही देखिए बहुत बड़ा चैलेंज हाँ। रोहित शर्मा के लिए होगा बट मैं रोहित शर्मा के लिए विराट कोहली होंगे विराट कोहली का एक्सपीरियंस होगा तो वो भी अच्छा होगा और दो बड़े प्लेयर हैं अच्छे से खेलेंगे तो इंडिया का ही फायदा है है। क्रिकेट टीम की इस टाइम पे चाहे आप तीनों फॉर्मेटे अब तो रोहित शर्मा टेस्ट में भी कर रहे हैं हंड्रेड भी आ गया उनका सेम बाहर विदेश में तो अब दोनों जो है ये इंडियन क्रिकेट टीम के पिलर हैं और इनका खेलना बहुत जरूरी है हमको कोई भी टूर्नामेंट जीतना है इनका खेलना ज़रूरी है दोनों का तो बस मेरा मानना है तो देखिए अब इरफान पठान ने भी बोला है कि इस बार अगर ये पूरी टीम अगर एकजुट होकर खेले और इन विराट कोहली को एक ट्रिब्यूट टाइप का दे कि हम वर्ल्ड कप जीत के अपने कप्तान को एक ट्रिब्यूट देंगे ऐसा उन्होंने लिखा है अपने ट्विटर हैंडल पर तो चलिए यही बात थी डेट्स ऑल फॉर टूडे थैंक यू सो मच प्लीज चैनल को लाइक कीजिए क्या राय है वो कमेंट में बताइए हाँ अपनी राय आप हमें कमेंट में बता सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग विराटली हाँ शॉकिंग न्यूज है विराट की विराट के साथ जो डिसरिस्पेक्ट हुई है उसके अगेंस्ट हूँ क्योंकि मैं बहुत बड़ा फैन हूँ विराट कोहली का प्रूफ कर दें और विराट को मैं प्राता हूँ इस बार बल्ले से अपना ऐसा करें कमाल जैसा उन्होंने 2016 में आईपीएल में किया था 2016 वर्ल्ड कप में किया था 2014 वर्ल्ड कप में किया था फाइनल में किया था तो विराट कोहली कर सकते हैं मैं जानता हूँ कि ऐसे ऐसे प्लेयर जब उनके ऊपर इतना वो होता है जब क्वेश्चनिंग होती है तो निखर सकते हैं मैं चाहता हूँ कि विराट कोहली सेंचुरी मारे और इस, इस बार आरसीबी को और इस बार आरसीबी से जीते <laughs> आर नंबर पे आरसीबी है इस बार और बहुत ही धमाकेदार मैच भी आने वाला है संडे को चेन्नई वर्स मुंबई चलिए दैट्स ऑल टुडे थैंक यू सो मच चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम शेयर कीजिए बाय